माया का जाल है, इन्हीं की कृपा कटाक्ष से बचा जा सकता है। तो कोई भी ना तो शारीरिक चेष्टा और ना कोई मानसिक चेष्टा ऐसी गंदी हो। कुछ साधक जन कहते हैं कि शारीरिक चेष्टा तो हमसे नहीं होती लेकिन मानसिक चेष्टा होती रहती है। आप मानसिक चेष्टा पर भी सुधार करने की चेष्टा करें भगवत चिंतन के प्रभाव से, क्योंकि अगर हमारी मानसिक चेष्टा में विषय चिंतन होता रहा और हम उस मानसिक चेष्टा का सुख लेते रहे तो उसका प्रभाव देह में पड़ेगा और विषय क्रीड़ा ना होने पर भी वही हानि हो जाएगी जो विषय क्रीड़ा से होती है, विश्वास मान लीजिए। तो बोले हमारा बस क्या? बस है जोर जोर से पुकारना, बस है। आप राधा राधा पुकारिए, जब आपका मन बहुत ही गंदी कल्पना कर रहा हो तो उस समय उसको समय मत दीजिए, पद गाने लगिए, उसके विरुद्ध चलिए, खूब मंजीरा उठाइए, कीर्तन कीजिए, अभी वो खत्म हो जाए। जब आप उसको एकांत देंगे, आप उसको समय देंगे, आप उसमें डूबेंगे, वो आपके बिना ना मानसिक क्रिया कर सकता है ना शारीरिक कर सकता है, बिल्कुल समझ लीजिए। आप उसके अधीन हो गए, वो जैसा जैसा कराना चाहता आप उसको सहयोग देते चले जा रहे हैं, इसीलिए आपकी हानि हो रही है। भगवत चरणारविंद का आश्रय लेकर दिखावे से बचते हुए निरंतर भजन परायण रहे। पूज्य श्री भाई जी महाराज जी का पावन चरित्र चल रहा है। श्री भाई जी महाराज नव यौवन अवस्था को प्राप्त हैं। एक दिन भाई जी महाराज को एक नव युवती ने दर्शन किया, उनका नाम श्री सरोजिनी बाई था, बड़ी अलौकिक भाव वाली थी। भाई जी को देखते ही उनके हृदय में इष्ट भाव हुआ सरोजिनी बाई जी, और उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मेरे जीवन का पूर्ण अस्तित्व भाई जी महाराज है। बड़ा प्रसंग है, केवल हम सारांश में बता रहे हैं। ऐसा समर्पण, सर्वस्व त्याग कर भाई जी के लिए पूरा जीवन भाई जी के लिए, और भाई जी की समीपता नहीं, भाई जी के चिंतन में अपना पूरा शरीर कर दिया। भाई जी के द्वारा जो उनके हृदय में भगवत आकर्षण हुआ, समस्त विषयों का त्याग करके, घर बार त्याग करके, भाई जी के बताए हुए आंतरिक मार्ग के उपदेश से वो भगवत प्राप्त हो गई। पूज्य राधा बाबा उनका बहुत स्मरण किया करते थे, कभी कभी मौन अवस्था में भी स्लेट में लिखकर अपने निजी जनों को बताते थे कि कैसी पवित्र प्रीति होती है श्री सरोजिनी बाई जी। पूज्य श्री भाई जी महाराज का झुकाव देशभक्ति की तरफ होने लगा, नव यौवन अवस्था जैसे श्री राधा बाबा का। क्योंकि हम कहीं भी भजन करें हैं तो अपने देश में, भारत में, यदि हमारे भारत में कोई संकट आएगा तो हमारा भजन संकट में पड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि भजन करने वाले बाबा जीयों से भारत देश का क्या मंगल होता है, तो आप ये समझ लीजिए कि यदि एक भारत का जवान दूसरे देश की सीमा के शत्रुओं को रोकने के लिए खड़ा है तो एक विशुद्ध संत अपने भजन बल से पूरे भारत का मंगल कर रहा है। पूरे भारत की वो अनिष्टकारी जो क्रियाएं हैं, अनिष्टकारी जो वृत्तियां हैं, उनका एक गुफा में बैठा है, एक एकांत रूम में बैठा हुआ भगवत चिंतन करते हुए। ऐसा मत समझिए कि साधु महात्माओं को देश से प्रेम नहीं है। आप ऐसा जब जब कभी देश पर ऐसी भारी विपत्ति आई है तो देखा गया है, पूर्व से देख लीजिए, कोई ना कोई महात्मा आपको खड़ा मिलेगा। जहां कहीं भी, कभी भी, किसी भी राजा की उन्नति हुई हो उसके ऊपर महाराज जरूर हुआ है। देवराज इंद्र के ऊपर महाराज बृहस्पति जी विराजमान है, ज्ञानी जनक जी के सिंहासन के ऊपर गुरु भाव में विराजमान सतानंद जी हैं, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ तो वशिष्ठ जी सिंहासन में विराजमान है। कहीं भी हो, देखो वेन ने अत्याचार किया तो महात्माओं ने ही उसको नष्ट कर दिया और उसकी जंघा से और भुजा से मंथन करके भगवान का प्रादुर्भाव किया। ये कोई न समझे कि संत महात्मा देश के काम नहीं आ रहे, सच्ची मानिए, कुछ होता है बाहरी, कुछ होता है आंतरिक। जो आंतरिक भजन करके इस देश का सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ये बहुत बड़ी बात है।
बाहरी शत्रु को गोली से मारा जा सकता है, लेकिन आंतरिक शत्रुओं को मंत्र से मारा जाता है। ये महात्मा जन निरंतर मंत्र जपते हुए ये जो संकल्प करते हैं सबका मंगल हो, तो अनिष्टकारी कर्म करने पर भी वो सुख से जी रहे हैं। ये उन संतों का कृपा प्रसाद है जो आज हमारे भारत देश में हजारों लाखों ऐसे संत हैं जो भजन करते हुए सबका मंगल मना रहे हैं। अब आपका चश्मा ठीक नहीं तो आप कैसे देख पाओगे? आपको यही लगेगा सब भिखारी हैं, काम चोर हैं, बाबा का भेष बना लिया, माल छानते घूम रहे। आपका जैसा दर्शन वैसा ही आपको अनुभव में आएगा। ऐसा न समझे कि कोई भगवत भक्त या कोई भी संत महात्मा अपने देश से प्रेम नहीं करता। जब कभी देश प्रेम की बात आएगी तो उनका हृदय तुम्हें दिखाई, कितना भी बड़ा कोई सिद्ध क्यों ना हो, उसको मातृभूमि में वैसे ही प्रेम है जैसे भगवान से प्रेम है। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई सर्वम खलमिदम ब्रह्म, ये सिद्धांत। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो कह रहे हैं कि सब जगह भगवान है, ये कायरता का प्रचार कर रहे हैं। दुष्ट लोग दुष्टता कर रहे हैं, ये कह रहे हैं उनको भगवान मानो। क्या अर्जुन कायर निकला गीता सुनने के बाद? ये गीता में तो उपदेश है, युमाम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मई पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सचम न मे न प्रणश्यति। तो क्या अर्जुन कायर निकले? गीता सुनने के बाद ही प्रत्यंचा चढ़ाई और काट काट के फेंक दिया। क्या तुम समझते हो वासुदेवा सर्वम जानने वाला आरती करता है? जो वो जान जाता है कि अब हमको केवल नाटक ही करना है, वो हर जो इशारा होता है स्वामी का वही करता है। अभी अज्ञान की धरा में तुम्हें क्या पता चले? तुम्हें लगता है कि वासुदेवा सर्वम जानने का मतलब है माला केवल ले लेना। अभी इस भूल में मत रहना, वासुदेवा सर्वम का जानने वाला ही गांडीव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाता है और भीष्म और द्रोणाचार्य जैसों के गले उतार देता है। यह गीता जब अर्जुन को सुनाई तभी उसमें वास्तविक ज्ञान आया। नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादान मयाच्युता। ये जो लोग कहते हैं कि बाबा जी लोग कहते हैं सब भगवान है, सब भगवान है, तो ये कायरता का प्रचार करते हैं। कल किसी ने कहा वो कायरता का प्रचार करते हैं कि सर्वत्र भगवान है। क्या जानो तुम? जिस दिन ये जान जाओगे कि सर्वत्र भगवान है, सच्चे सूरवीर उसी दिन होगे। कायर तो तुम अभी हो जो किसी से द्वेष करते हो, किसी से काम करते हो, किसी से राग की भावना रखते हो। जिस दिन तुम जान जाओगे कि सब जगह वासुदेव महावीर हो जाओगे तुम। आप विचार करके देखिए, ये अज्ञान की धरा में जो आप जी रहे ठीक दशा नहीं है। क्या ध्रुव जी ने भगवत प्राप्ति के बाद युद्ध नहीं किया? आप उठा के श्रीमद् भागवत देखिए, यक्षराज कुबेर के यहां ललकारा और उनके पार्षदों को यक्षों को मार मार के भगाया। देखो क्या भक्त ऐसा कमजोर कायर होता है क्या? प्रह्लाद चरित्र जो आप सब जगह भगवान का दर्शन करने वाले महात्मा हैं, आप उनको देखिए कितना भयंकर युद्ध किया उन्होंने। आप देखिए प्रह्लाद पूरा चरित्र पढ़िए तो आप देखिए फिर उस चरित्र में जब वो राजा बने तो भगवान को जानने वाला फिर जगन नाटक मंच पर वही रोल बिल्कुल ठीक निभाता जो भगवान चाहते हैं। क्योंकि अब अज्ञान खत्म हो गया, ना मरने वाला है ना कोई मारने वाला है। एक विशुद्ध लीला करनी है, एक विशुद्ध नाटक रचना है, तो इस जगन नाटक वैभवा में एक नाटक का अभिनय करता रहता है और विशुद्ध करता है। ये अज्ञानी जीव बेचारा क्या समझे? बोले अरे वो ऐसे दुष्ट लोग ऐसे करते हैं और ये कहते हैं कि सब में भगवान देखो। अरे तुम देख तो सब में भगवान, फिर देख तेरे द्वारा क्या होता है? ओ अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, वो समझ नहीं पाते। पूज्य श्री भाई जी महाराज के हृदय में देशभक्ति का बहुत आवेश था और सबके हृदय में होता है। सच्ची मानिए वो बहुत ही कायर और दुष्ट प्रकृति के जो लोग होते हैं वो देशद्रोही होते, नहीं तो चाहे भजन करने के लिए चलो चाहे जिस बात में चलो, जब अपनी मातृभूमि की रक्षा की बात आ जाएगी तो हर गर्दन भारत के बच्चे बच्चे की तैयार है कटने के लिए। वो जो मतलब बहुत ही कायर प्रकृति वाले या गद्दार प्रकृति वाले उनकी बात नहीं कह रहे हैं, नहीं तो ऐसा नहीं। इस भारत की भूमि में एक नशा है कि बलिदान होने के लिए यहां उबाल आती है, ऐसा नहीं रहा। मतलब आज भी है और आज भी अब भी देख लो भारतीय पुत्र ही तो लगे हुए सीमाओं में, और कौन? जहां हम खड़े भी नहीं हो सकते ठीक से वहां 24 घंटे सेवा में रहते हैं और हम सुरक्षित यहां प्रवचन कर रहे हैं। अगर वो वहां ना हो ना तो यहां हम सुरक्षित नहीं है। कौन है भारतीय सैनिक? भूख प्यास गर्मी सर्दी बरसात सब सह करके
ये देश प्रेम पूज्य श्री उड़िया बाबा जब सुनते कि उस नगर में देश प्रेमी तो बाबा मिलने जाते थे, ऐसा ना समझा जाए कि संत जनों को क्या मतलब देश से, क्या मतलब देश प्रेमियों से। श्री भाई जी महाराज जब देश प्रेम के कैसे हमारा देश स्वतंत्र हो, तो बड़े बड़े लोग भाई जी से जुड़ने लगे। भाई जी का इतना सुंदर वक्तव्य शुरू से था और कई भाषाओं का ज्ञान था और भागवती ज्ञान भी था, भगवत चिंतन से बुद्धि बड़ी पवित्र और तीक्ष्ण हो जाती है, तो बड़े बड़े लोग भाई जी से जुड़ने लगे। बिपिन चंद्र पाल, चित्तरंजन दास, वीरेंद्र नाथ ठाकुर, श्री श्याम सुंदर चक्रवर्ती आदि आदि पचासों लोग, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, ये भाई जी से मिले। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, श्री महात्मा गांधी जी, श्री पुरुषोत्तम दास टंडन, लोकमान तिलक, ये सब भाई जी से। उस समय भाई जी के हृदय में देशभक्ति जब जागृत हुई और बड़े बड़े लोग संगठन में आए देश स्वतंत्रता के लिए, तो श्री महात्मा गांधी जी भी भाई जी से मिले। लोकमान तिलक जैसे, राजेंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे, पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे, मालवीय जी कलकत्ता पधारे, भाई जी से मिले। भाई जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए बहुत अपने परिजनों से मिलकर अर्थ की भी सहायता की। अब गुप्त समितियां बनने लगी कि हमारा देश कैसे स्वतंत्र हो, और भाई जी उसमें सक्रियता पूर्वक भाग ले रहे थे। क्रांतिकारियों के मुकदमों की पैरवी में सहयोग देते भाई जी। भाई जी पुलिस की नजर में आ गए कि ये अपनी एक पार्टी बना रहे हैं देश स्वतंत्रता के लिए, तो भाई जी का नाम पुलिस की डायरी में आ गया और सरकारी कर्मचारी लगा दिए गए भाई जी की गतिविधियों का निरीक्षण किया जाए, क्या ये सरकार के खिलाफ, जो उस समय तत्कालीन सरकार है उसके खिलाफ भी कोई रचना रच रहे हैं। लेकिन ये बिना किसी भय के कार्यक्रम करते रहे, कार्यक्रमों में भाग लेते रहे, अपने देशवासियों को उत्साह वर्धन करते रहे, और जो लोग बंद थे उनको भी सूचनाएं भिजवाते, आप चिंता मत करो, हम ऐसी व्यवस्थाएं कर रहे हैं कि बहुत शीघ्र हमारा देश स्वतंत्र होगा, आप लोग जो अत्याचार सह रहे हैं वो व्यर्थ नहीं जाएगा। ये जब बातें तत्कालीन सरकार को सुनने को मिली कि ये तो बहुत बड़ा एक सक्रिय भाग तैयार कर रहे हैं जो हमारे खिलाफ है, तो उन्होंने इनको बंदी बनाने की चेष्टा की, श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को। अब इनके निजजनों ने इनसे कहा कि आप भाग जाइए, कहीं भाग करके छिप जाइए, नहीं तो आपको सरकार बंदी बना लेगी और नाना प्रकार के दंड देगी। अचानक एक दिन सदल बल पुलिस इनकी क्लाइव स्ट्रीट स्थित दुकान पर पहुंची। श्रावण कृष्ण 5 संवत 1973, 20 जुलाई सन 1916 को राजद्रोह के अपराध में भाई जी को बंदी बना लिया गया। इनके जो मित्र श्री ज्वाला प्रसाद जी कनोडिया, फूलचंद्र जी चौधरी, उनको भी बंदी बना लिया गया। बहुत कष्ट सहा है, बहुत कष्ट सहा है। आज जो हम स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं ना, उन महापुरुषों की वो एक एक खून की बूंद का हिसाब हम लोग भोग रहे हैं आनंद, वो कैसे कष्ट से, इतना इतना पीट पीट के मार डाला गया ऐसे ऐसे लोगों जो भारत के लिए मतलब कितनी दुर्दशा पूर्वक मृत्यु सही, ऐसा ऐसा अत्याचार करते थे उस समय। 15 दिन तक तो इनको एक डुरंडा हाउस में बंद करके रखा गया, फिर अलीपुर जेल में इनको स्थानांतरित किया गया। अभी कुछ ही दिन हुए थे विवाह हुए, घर में तो हाहाकार मच गया, अकेली केवल स्त्री, कब आएंगे कारावास से कोई पता नहीं, क्या होगा उनका कोई पता नहीं, बड़ी दुखद दशा। स्वयं भाई जी ने आगे उस दशा का वर्णन किया था कि ज्वाला प्रसाद जी आदि हम सब लोग कई साथी थे, पकड़े जाने पर जिस दिन हमें बंदी बनाया गया, कठोर हम पर शासन किया गया, हम सब जेल में बड़े दुखी हुए कि हमारा जो उद्देश्य था देश स्वतंत्रता, अब वो हम नहीं कर सकते हुए, इतना कड़ा, मेरा हृदय तड़पने लगा, व्याकुल होने लगा, चारों ओर अंधकार दिखाई देता, कोई सहारा नहीं।
जब मैं विकल हुआ तब अंदर से बात आई, तुम विकल क्यों होते हो, प्रभु का सहारा क्यों नहीं लेते हो। अंदर से एक प्रेरणा आई, तुम प्रभु का नाम स्मरण करो। प्रभु का आशरण शरण ऐसे थोड़ी नाम है, आशरण शरण प्रभु का नाम है, आप उनका स्मरण करो। भाई जी को बहुत सुंदर सुनने लायक और समझने लायक और जीवन में उतारने लायक बात है। जेल में कड़ा शासन है, अंधकार ही अंधकार, कोई साथ देने वाला नहीं। तब भाई जी ने विचार किया, अब तो जीवन नष्ट ही हो गया। अंदर से प्रेरणा आई, नहीं, भगवान का नाम शरण शरण है, उनका स्मरण करो, उनको पुकारो। अब मैंने नाम रटना शुरू किया, ये स्वयं सी भाई जी के लेखनी से। भजन करने की एकदम वृत्ति जागी, और आर्त भाव, कोई सहयोगी था नहीं, इसलिए आर्त भाव से प्रभु का नाम स्मरण प्रारंभ। तत्काल एक बल सा मिला, एक शांति सी मिली। धीरे धीरे और नाम में प्रेम बढ़ने लगा कि अरे, नाम जपने से हृदय में शीतलता आ रही, एक बल मिल रहा है, घबराहट भय चिंता ये दूर हो रही है। अब तो निरंतर बस नाम, अब तो हृदय में एक विशेष बल आ गया, एक विशेष शांति। इसी समय मुझे नाम का स्वयं में महात्म उदित हुआ दिखाई दिया कि अरे, ऐसा चमत्कार नाम का, जहां मैं घबरा रहा था, प्राण व्याकुल हो रहे थे, एकदम एकांत अंधेरे में बंद कर दिया गया था, वहां मुझे बहुत शांति मिल रही, बड़ा आनंद मिल रहा, केवल सतत नाम स्मरण से। अब मुझे माला की आवश्यकता हुई, ऐसा लगा कि अगर माला मिल जाता तो मैं रात दिन माला से करता। मेरी उन्नति का प्रथम सूत्रपात भागवती उन्नति का इसी जेल से हुआ। पूज्य श्री भाई जी कह रहे, उन्होंने जो एक पहरेदार था उसको बुलाया और कहा, भाई तुम जानते हो भगवान का भजन करना अच्छी बात है कि बुरी बात है। उसने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बोले, आप हमें एक माला ला सकते हो। तो उसने कहा कि साहब, हम माला तो आपको नहीं दे सकते, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि बिना माला के भी भजन हो सकता है, आप अंगुलियों से गिन के कर सकते हैं। और एक कील दी कि आप एक कील से ऐसे खींच सकते, 10 बार हो जाए ना तो 100 बार हो गया, एक कील खींच दिया, फिर शुरू करो 10 बार, मतलब इधर गिनते जाइए, 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, जब 10 बार हो जाए तो ऐसे खींच दो। भाई जी ने वैसे ही शुरू कर दिया नाम जपना, पहरेदार ने जैसा बताया, दीवाल पर एक कील से कील खींच देते 100, ने समझ रहे ना, मतलब 1 बार ऐसे हुआ तो एक ये उंगली इधर इधर, और जब ये 10 बार हो गया तो एक रकील खींच दी तो 108 की माला मानो पूरी हो गई। अब राजद्रोह का भाई जी पर मुकदमा चल रहा था, बहुत कठोर शासन इनके ऊपर, संदेह के आधार पर इनको लंबे समय तक ऐसी कठोर सजा में नहीं रखा जा सकता था, क्योंकि कोई प्रमाण नहीं मिला कि राजद्रोही है। भारत रक्षा विधान के अनुसार इनको साथियों के सहित अनिश्चित काल के लिए नजरबंद का आदेश दे दिया गया। सभी साथियों को अलग अलग स्थान पर भेज दिया गया। बांकुड़ा से 24 मील दूर सिमलापाल नामक ग्राम में भाई जी को एकांत में रखा गया। घर से जाने के पूर्व 1 घंटे के लिए केवल आदेश मिला कि आप अपने घर वालों से मिल सकते हैं। उस 1 घंटे में परिवार वाले जब आए तो क्या स्थिति हुई होगी भाई जी की, बस देख लीजिए, जो बात करना है कर लीजिए। फिर कितने समय के लिए एकदम अकेले, कोई किसी से मिल नहीं सकता। भगवान बड़े कृपालु हैं, कौन सी घटना से आपको कहां पहुंचाना चाहते हैं ये कोई जानता नहीं है। दिखाई देता है कि प्रभु छीन रहे हैं, लेकिन वो कभी छीनते नहीं, देते ही हैं। पर अज्ञानी पुरुष कहता है भगवान ने छीन लिया। सही पूछो, बेईमान, छीना कहां, बेईमानी तो तुमने की, प्रभु की वस्तु को अपनी मान लिया। एक दिन अभी एकांतिक में कोई कह रहा था कि भगवान की चापलूसी क्यों करे। मतलब कितने हंसी की बातें, बोले भगवान केवल अपनी खुशामत करवाने की बात करवाते हैं, भगवान का ही यश हम गाएं, क्यों गाएं, उनकी चापलूसी क्यों करें। हे भगवान, कैसे कैसे सृष्टि में लोग हैं, कह रहे भगवान की चापलूसी क्यों करें, भगवान की सेवा क्यों करें, उनका यश क्यों गावें। बड़े विचित्र, प्रभु अगर कुछ छीनते दिखाई देते हैं तो बहुत अनंत गुना करके कुछ देना चाहते हैं। छीनते दिखाई देते हैं, पर जो देते हैं वो केवल उसी को अनुभव में आता है जिसको देते हैं।
उनका देना बड़ा गुप्त होता है। प्रभु ने भाई जी के देश प्रेम की सारी उमंगे, मित्र मंडली, सारे वो प्लान कैसे देश स्वतंत्र होगा, सब छीन कर एकदम एकांत कारावास में, बिल्कुल प्रियजनों से अलग, परिवार से एकदम विरक्त, कोई मिल नहीं सकता, कोई बात नहीं कर सकता, बस भाई जी के हृदय में बैठ गया। अब जीवन का सार है तो भगवान नाम सार है, कितनी अहोभाग्य। अब एक क्षण भी, एक श्वास भी नाम से खाली नहीं जाने देंगे। भाई जी ने शुरू कर दिया निरंतर नाम, प्रभु का मंगलमय नाम स्मरण करना प्रारंभ किया। अब शिमला पाल में बिल्कुल एकांत, कोई मिल नहीं सकता, नजर बंद है, विलक्षण भाई जी का भजन प्रारंभ हो गया। कठोर साधना में जीवन, सरकार का नियम कड़ा, भाई जी के भजन में बड़ा सहयोगी बना। कोई मिल नहीं सकता तो कोई बोलने वाला है ले, निरंतर देखो भजन करोगे, एकांत में रहोगे तो उत्साह बढ़ेगा भजन का, अगर नाटक करोगे तो एकांत कमरा बंद करते ही गंदी बातें शुरू कर दोगे, मन आप पे शासन करेगा और गंदे आचरण करा लेगा। यदि आप में थोड़ी भी गंदी बातें हो तो कभी अकेले कमरा मत लो, दो साधक रहो, जिससे तुम कम से कम अपने मन पर दूसरे साधक का भय तो बनाए रखोगे तो तुम्हारे आचरण तो पवित्र रहेंगे। यदि तुम्हारा मन तुम पे हावी है तो तुम मन की चाल में मत फंसो, अकेले कभी मत रहो, अकेले कमरे में रहने का अधिकार उसी का है जिस साधक का मन प्रभु के नाम रूप में लग रहा है, नहीं तो एकांत में वो गलत चेष्टाओं में फंसा देगा, फिर आपका परमार्थ बिगड़ने लगेगा। भाई जी को एकदम एकांत, निरंतर भगवान नाम स्मरण, शाम के 6 बजे से प्रातः 6 बजे तक केवल नाम जप, समझिए शाम के 6 बजे से प्रातः 6 बजे तक ना बोलना, ना खाना, ना पीना, ना कोई चेष्टा, केवल नाम जप। कितनी बड़ी कृपा हो रही है। और अगर कभी कोई सूचना भी आनी है तो पत्र के रूप में अंदर डाली जाएगी, वो भी पुलिस का कर्मचारी लाके डालेगा। सरकार इन्हें महीने में 80 रुपया देती, 30 रुपये से अपने शरीर का खर्चा चलाते, 50 रुपये अपने दादी के पास, पत्नी के पास भेज देते जिससे उनका खर्चा चलेगा। भाई जी 3 बजे प्रातः काल उठ जाते, 30 माला षोडश मंत्र की जप करके फिर शौच जाते, फिर शौच स्नान करके फिर भजन शुरू करते, और यहां सूर्य उदय होने पर उठते हैं। अगर जग मतलब साधक हैं, साधक 6 बजे उठते हैं, जल्दी जल्दी नहाया और जल्दी रज पोता, ओ मतलब ओ बस आके मान, अब कैसे बतावे क्या भजन करेंगे, कैसे साधन करेंगे। अरे 2 बजे 3 बजे साधक को उठना चाहिए, गृहस्थी वो बात अलग है, उतना मेहनत की, 7 घंटे सोया, 5 बजे उठा, थोड़ा माला किया, फिर गृहस्थी में लगा, लेकिन अपने जो परमार्थ मार्ग के पथिक है, 11 बजे शयन कर जाओ, 2 बजे उठ जाओ, दिन में 1 घंटा विश्राम कर लो बहुत है, 9 बजे सो गए और 9 बजे उठे कैसा रहेगा, बढ़िया, 9 बजे सो गए और सुबह के 9 बजे वो तो सत्संग है, तो बोले वो अमुक नहीं आए, बोले भागो जल्दी जाओ वहां देखो जब तिलक लग रहा है, बोले अब जल्दी से जल्दी, ऐसा ना करो, बहुत मूल्य आपके इस जीवन का है, इसे नष्ट मत करो, भगवान मिल जाएंगे, इतना कीमती जीवन है। भाई जी महाराज शुद्ध आप महापुरुषों की दिनचर्या देखिए, शाम के 6 बजे से सुबह 6 बजे तक निरंतर नाम जपने का एक नियम लिया, काफी समय तक ये चलता रहा, फिर नियम प्रातः काल वाला लिया कि 3 बजे उठ के बैठ जाते सुबह और महामंत्र की माला करते 30 माला, फिर जल पीते, फिर शौच स्नान, फिर बैठ गए भजन के लिए, फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते, पूरी गीता जी का पाठ करते, और जो ध्रुव जी भगवान नारायण की कृपा प्राप्त कर रहे हैं, जो चित्र है, मतलब भगवान नारायण है और ध्रुव जी, वो चित्र का ध्यान करते, उस आधार पर ध्यान करते, एकाग्रता पूर्वक ध्यान में तन्मयता करने की चेष्टा करते, प्रातः से दोपहर एवं रात्रि में 3-3 घंटे ध्यान में व्यतीत कर, प्रातः 3 घंटे, दोपहर में 3 घंटे, रात्रि में 3 घंटे,
ध्यान में, शेष समय नाम जप में, शास्त्र के स्वाध्याय में थोड़े समय में ही शरीर की आवश्यक क्रियाएं कर लेते, शौच स्नान आदि, थोड़ा सो लिया। अब वहां सोना के सजा में सोना है क्या? वो तो हृदय में विकलता है, कैसे भगवान कृपा करें इस प्रपंच संसार से राग मिटे। अब जेल में है, वहां नींद आएगी चैन से कि भाई खूब चैन से 8 घंटा सो रहे हैं, एसी लगा है, कूलर लगा है, ऐसी थोड़ा सहन कर लिया। देखो कितनी बड़ी कृपा हुई, भगवान भजन करा के कैसे सिद्ध करते हैं, कितने कृपालु हैं। थोड़े समय में शरीर के आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर शेष समय सारा भजन ध्यान में 6-6 घंटे एक ही स्थिति में बैठे रहे, ऐसा अभ्यास बनने लगा। 6-6 घंटे भगवत ध्यान करते हुए डूबे हुए हैं भाई जी। कभी कभी तो खुली आंखों में भगवान का दर्शन करते हुए बैठे। बाद में भाई जी ने कई बार ये बताया कि हम ये कोई सिद्धि या चमत्कार की बात नहीं बता रहे, ये भगवान नाम जप और अभ्यास की बात बता रहे हैं कि खुली आंखों में भगवान श्री हरि का दर्शन होने लगा, नाम जप में इतना रस आने लगा कि पहले हम सुनते थे नाम महिमा, आज हम नाम का स्वाद देखने लगे, अब तो नाम जप छूटने की बात सोचने पर भय लगने लगा। समझो, अभी नाम जप की बात सोचने पर भय लगता है, और जब नाम का स्वाद मिला तो नाम छूट जाए ना कहीं इस बात से भय लगे। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी, कहीं नाम छूट ना जाए इस बात के लिए भय लगने लगा। मन में भावना आती कि कोई मुझसे कभी बात न करे, हे भगवान ऐसी कृपा करना। देखो नाम का प्रभाव, इतना नाम प्रिय लगने लगा कि भाई जी हृदय से प्रार्थना करने लगे कि अब कोई हमसे बात ना करे, अगर कोई आवश्यक बात करनी भी पड़ती तो इतनी जल्दी जल्दी नाम जप करते, थोड़ा बोलते पर नाम जप, नाम न छूट जाए। मानो जीव को व्यसन हो गया नाम जपने का। जब कभी आने वाला कोई व्यक्ति बहुत देर तक बैठने की चेष्टा करता तो भाई जी विनम्रता से बोल देते, देखो भाई मैं तो अपराधी हूं, जेल में हूं, निकम्मा हूं, कोई काम नहीं। क्या आप भी निकम्मा बनना चाहते हो क्या? जाओ आप अपना कोई काम करो, आप यहां क्यों बैठोगे, आप क्यों बात करोगे, मैं तो अपराधी हूं, जेल में हूं, निकम्मा हूं। वो ऐसे 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 कह के इनकी चेष्टा यही रहती कि कोई हमारे पास आए भी ना, कोई हमसे बात भी ना करे। नाम ध्वनि निरंतर अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर चलती। उस समय इनके द्वारा ऐसा रूखा व्यवहार होने लगा, इस बात का कभी कभी भाई जी को दुख भी होता। और देखो जरूरी है, ये रूखापन अंदर के गीला होने के लिए जरूरी है, अंदर हृदय को द्रवित करने के लिए बाहर रूखापन जरूरी है। हमने महापुरुषों से पूछा कि जब आपके पास कोई आता है तो भौं चढ़ जाती है और आप थोड़ा कठोर व्यवहार करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? बोले अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो आंतरिक चिंतन उसमें व्यवधान पड़ जाएगा, इतनी बातें होने लगेंगी, इतने लोग आने लगे और किसी को लाभ लेना नहीं है। ये ज्यादातर इस बात के लिए आते हैं कि महात्मा जी छू दे हमारा काम बन जाए, ऐसे आते हैं। महात्मा जी हमें, उनको पता है तो उनको लगता है भजन पूजन करते हैं, हमसे उस संतरा और सब खवा पिला के फुसला के और इनसे उनका भजन का प्रभाव ले ले। अरे समझो, जो प्रभु को अपने अधीन कर रहे हैं वो कितने चतुर होंगे, तुम्हारे में फंसने वाले है क्या? रामई भजे इतने चतुर नर, अगर उनको कोई फांस सकता है तो आंसुओं से फांस सकता है, प्रभु की प्रियता वाला कोई फांस सकता है उनको, अगर उनको कोई अधीन कर सकता है तो तुम प्रभु के चरणों का दासत्व स्वीकार करो, भजन करो, देखो तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। भाई जी महाराज बाहर से कठोर व्यवहार करते, कभी कभी दुख होता कि क्यों हम दूसरे से कठोर व्यवहार करें, पर अंदर यह रहता कि अगर बाहर से हम प्रेम का व्यवहार करेंगे तो भजन छूट जाएगा। एक दिन की बात है, ये स्वाध्याय में तल्लीन थे, एक आए और उन्होंने कहा कि चाकू है क्या तुम्हारे पास? इन्होंने स्वाध्याय में विघ्न न पड़े इस दृष्टि से कह दिया कि अभी नहीं, चुपचाप यहां चले जाइए। वे सज्जन चले गए, पर इनको तत्काल दुख हुआ कि ठीक नहीं, ये व्यवहार ठीक नहीं। चाकू उठाया, गए और दिया और कहा क्षमा कीजिए,
मेरी चित्त वृत्ति कहीं और लगी थी, इसलिए मैं सही उत्तर नहीं दे पाया। आप चाकू लीजिए। भाई जी बाहर से ऐसे रहने लगे कि कोई आए ही ना, कोई सिर्फ बिहारी देव जी महाराज जब एकांत में यमुना किनारे भजन में बैठते ना तो चरवाहे जो ब्रजवासी जन है वो आते बाबा पानी पिला, तो उन्होंने करवा पलटा के रख, जब भजन में बैठते तो करवा उल्टा रख देते ऐसे कि मांगने की जरूरत है नहीं, पहले देख लो खाली करवा है, ऐसे रख देते। भजन में निरंतर चित्त वृत्ति डूबे इसके लिए एकांत की आवश्यकता है। माना कुछ क्षण सत्संग भगवद वार्ता, इसके बाद सदैव एकांत। एकांत में अपनी चित्त वृत्ति को प्रभु में नहीं लगाओगे तो ये एक नियमावली सी बन गई। भजन ये सत्संग सुना दिया, सत्संग सुन लिया, इसके बाद विषय चिंतन विषय क्रीड़ा, तो सत्संग का आनंद का अनुभव थोड़ी होगा। भाई जी महाराज अब और गंभीरता पूर्वक नाम में लगे। इसी समय जेल में ही